हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं ये बताऊंगी कि छत्तीसगढ़ में कृषि विभाग से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं अभी तक चल रही हैं और कौन कौन सी योजनाएं यहाँ पे लागू हैं, ये आज मैं बताऊंगी। तो क्लास स्टार्ट करते हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी कृषि संबंधित योजनाएँ चल रही हैं। तो पहला आते हैं साकम्भरी योजना। पहला है साकम्भरी, पहला है, देखिए आपका यहाँ पे आता है साकम्भरी योजना। अब ये साकम्भरी योजना के बारे में बताऊंगी कि ये कब से ये लागू है और इसमें कौन कौन सी छूट दी जाती है और इस योजना के अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। तो साकम्भरी योजना है, यहाँ पे ये आपका स्टार्ट हुआ है 2005 से। ये योजना आपका स्टार्ट हुआ है 2005 से स्टार्ट हुआ है आपका साकम्भरी योजना। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। इस योजना का उद्देश्य है लघु सीमांत कृषक, मीन्स जो छोटे वर्ग के किसान हैं, उनको नलकूप निर्माण एवं पंप के निर्माण के लिए अनुदान दिया जाता है। अनुदान मीन्स छूट दिया जाता है। छूट क्यों दिया जाता है? ताकि वे अपनी जो सिंचाई की कमी है उसको पूरी करें और अपनी जो फसल है उसको अधिक से अधिक मात्रा में उपज को बढ़ाएं। इसके लिए ये प्रावधान लागू किया गया, साकम्भरी योजना ये स्टार्ट किया गया 2005 में। इसका उद्देश्य यही था कि जो लघु सीमांत कृषक हैं उनको जो नलकूप पंप आदि उनको कम पैसे में मिल जाए। और इसका जो प्रावधान है ये देखिए, इसमें 0 से 5 हॉर्स पावर तक के, 0 से 5 हॉर्स पावर, ये याद रखिएगा, 0 से 5 हॉर्स पावर तक विद्युत से चलने वाली पंप, डीजल पेट्रोल आदि पंप उनको क्रय करने पर 75% की यहाँ पे छूट दी जाती है। मीन्स अगर आप ऐसा उपकरण लेते हैं सिंचाई के लिए, नलकूप या फिर पेट्रोल डीजल पंप जो विद्युत से रिलेटेड हो, कितना विद्युत, 0 से 5, तो उसके लिए क्या किया जाता है, 75% यहाँ पे छूट दी जाती है। अगर आप इस योजना के अंतर्गत कोई सभी विद्युत उपकरण लें 0 से 5 हॉर्स पावर तक की, तो आपको 75% छूट दिया जाएगा लघु सीमांत कृषकों को। और यहाँ पे देखिए, इसका 75% छूट मतलब ये लगभग 16,000 तक की छूट दी जाती है, 16,000 रुपये की छूट दी जाती है। और इस जो साकम्भरी योजना है इसके अंतर्गत अगर आप कुएं का निर्माण कराएं तो आपको 50% तक की जो पैसे हैं उसमें छूट मिलती है। ये तो पंप के लिए है, पंप नलकूप आदि पेट्रोल आदि उपकरण के लिए। और अगर आप कुएं के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे 50% तक की छूट, मीन्स 50% तक की छूट मतलब ये लगभग आपको 22,000 रुपये की यहाँ पे छूट मिलती है। तो ये आपका आता है साकम्भरी योजना के अंतर्गत, इसका शुभारंभ हुआ था, इसका शुरुआत हुआ था 2005 में। आपका हो गया साकम्भरी। तीन आता है सूरज धारा योजना। फिर आता है आपका दूसरा है सूरज धारा, ये भी आपकी कृषि से
संबंधित है सूरजधारा योजना में। अब इसमें करते क्या है, इसका उद्देश्य है बीजों की अदला बदली। मीन्स आपके पास जो बीज है, जो सूरजधारा योजना है इसके अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो बीज है उसको आप जो सरकारी समिति होगा कृषि का उस पर आप अदला बदली कर सकते हैं। मीन्स आप अपना बीज देके वहाँ से जो अधिक उपजाऊ वाले बीज हैं उसको आप ले सकते हैं। तो ये आता है आपका सूरजधारा योजना के अंतर्गत, इसका उद्देश्य है बीजों की अदला बदली। फिर तीसरा आता है सौर सूर्जा योजना। तीसरा है सौर सूर्जा योजना। सौर सूर्जा योजना इसका प्रारंभ हुआ 1 नवंबर 2016। इसका शुरुआत कब हुआ, सौर सूर्जा योजना इसका शुरुआत हुआ है 1 नवंबर सन 2016। 1 नवंबर 2016। अब देखिए सौर सूर्जा जो योजना है कृषि का, इसमें कौन कौन से इसकी उद्देश्य हैं, क्या प्रावधान है, क्या छूट दी जाती है, इसके बारे में मैं बताऊंगी। इसका जो उद्देश्य है वो है, ये जो योजना है उसका लाभ 57,000 लोगों को, देखिए इसका जो उद्देश्य है ये कि इसका लाभ 57,000 लोगों को मिले। इसका मुख्य उद्देश्य है कि ये इस योजना का फायदा 57,000 लोगों को मिले, ये इसका लक्ष्य है। अब इसमें क्या किया जाता है, जो 3 HP के मोटर पंप है, देखिए इसके अंतर्गत आता है 3 HP के मोटर पंप जिसकी कीमत है 1,00,000। थ्री एच पी का मोटर पंप है जिसकी कीमत है 1,00,000। इसको क्या दिया जाता है, इसमें छूट ये दिया जाता है कि SC ST OBC जनरल वालों के लिए अलग अलग छूट दिया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, जो SC और ST है उनको 7,000, OBC को 12,000 और सामान्य को 18,000। 7, 12, 18 ये SC ST OBC ये जनरल। तो देखिए जो इस योजना के अंतर्गत यदि देखिए ये योजना कौन सी है, सौर सूर्जा योजना के अंतर्गत हम यदि 3 HP के मोटर पंप क्रय करें खरीदें तो ST SC वालों को मिलेगा, जो 1,00,000 की कीमत है वो आपको मिलेगा 7,000 में, और जो OBC वाले हैं उनको मिलेगा 12,000 में, और जो जनरल वाले हैं उनको मिलेगा ये 18,000 में। और जो ये तो 3 HP की बात है, इसके बाद आता है 5 HP इसका कीमत है 5,00,000। 5 HP है इसका कीमत है 4.5-5 लाख की कीमत है, इसकी कीमत है 5,00,000 रुपये। अब ये मिलता है SC ST वालों को, SC ST OBC जनरल। तो देखिए SC और ST को मिलता है ये SC ST को मिलता है 10, OBC को 15,000 में, और इसको 20,000 में। देखिए यहाँ पे छूट मैं बताती हूँ, जो 3 HP का अगर लिया जाए तो यहाँ पे छूट मिलता है, जिसकी कीमत 1,00,000 से 1.5 लाख के लगभग रहती है पंप की, वो मिलता है SC ST वालों को 7,000, OBC को 12,000, और जो जनरल है उनको 18,000। वहीं 5 HP की हम अगर मोटर पंप लिए तो इसके अंतर्गत ST SC वालों को मिलता है 10,000 में,
ओबीसी को 15,000, जनरल को 20,000 में यहाँ पे मिल जाता है। अब इसके बाद आता है सौर सूर्य योजना। ये कंप्लीट हुआ आपका। इसका मुख्य उद्देश्य और इसमें कितने कितने पैसे में ये मिल जाता है। इसके बाद आता है चौथा आपका है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। चौथा है आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो देखिए, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसकी शुरुआत हुई 2016 में। 2016 में इसकी शुरुआत हुई। इसका मुख्य उद्देश्य जो खरीफ फसल होता है, खरीफ फसल मीन्स जो जून से अक्टूबर नवंबर तक की सीमा पे उगाई जाती है, उस फसल के लिए इसमें छूट या बीमा किया जाता है फसल के लिए, कि अगर बारिश या किसी मौसम के अकाल के कारण अगर फसल पे कमी हुई या अकाल हुई तो उस पे बीमा कराई जाती है। इसमें किसानों को बचत या फिर राहत राशि दी जाती है। इसकी शुरुआत हुई 2016 खरीफ फसल। खरीफ फसल के लिए इसकी शुरुआत हुई 2016 में खरीफ फसल के लिए। फिर इसके बाद आता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। पांचवा है प्रधानमंत्री कृषि आपका आता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब आप देखिए, इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि कृषि सिंचाई योजना, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो जहाँ पे पानी की सुविधा बहुत कम मात्रा में है लेकिन वहाँ पे हमें फसल अच्छी मात्रा में उगानी है। एक बार और ध्यान से सुनिए, जहाँ पे पानी की मात्रा कम है और फसल हमें अधिक से अधिक उगानी है, तो इसलिए इस योजना का निर्माण किया गया। तो इसमें क्या होता है, जो फसल है उनको, इनका उद्देश्य क्या रहता है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मीन्स एक एक बूंद ड्रॉप यानी एक एक बूंद जल से अधिक फसल यहाँ पे उगाना। इसका उद्देश्य है कि कम पानी की सिंचाई करके अधिक से अधिक कैसे हम फसल का उत्पादन करें, तो इसका उद्देश्य है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। इसका उद्देश्य आपको पता चल गया। इसका स्लोगन यहाँ पे देखिए, मींस जो नारा लगाया जाता है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मींस कम पानी में कैसे अधिक से अधिक यहाँ पे सिंचाई करें। अब इसके बाद आता है प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड योजना। प्रधानमंत्री सॉइल ये है आपका छठवां नंबर का। अब देखिए, नाम से ही पता चल जा रहा है, नाम से ही यहाँ पे आपको पता चल गया प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड योजना। सॉइल मीन्स मिट्टी का हेल्थ, इससे रिलेटेड मैं बता रही। इसमें क्या किया जाता है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, इसका शुभारंभ किया गया 16-17 में प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत किसान इस योजना में भाग लिए हैं, वो किसान इस योजना के अंतर्गत अपनी मिट्टी का परीक्षण केवल 2 रुपए में ही करा सकते हैं। कि
₹2 चार्ज लगेगा। उसमें क्या करना है आपको, अपनी मिट्टी का टेस्ट करा सकते हैं कि इस मिट्टी में कितनी पीएच मान है, कितनी अम्लीयता है, कितनी क्षारी है और कितनी उपजाऊ है या नहीं। ये सारे किसान कितने में कर सकते हैं, केवल ₹2 में ही टेस्ट करा सकते हैं। इसके बाद आता है किसान समृद्धि योजना। किसान समृद्धि योजना इसकी शुरुआत कब की गई, 2002 में इसकी शुरुआत, किसान समृद्धि योजना इसकी शुरुआत की गई सन 2002 में। सबसे पुरानी जो योजना है, वो यही है किसान समृद्धि योजना। इसका प्राचीन नाम है इंदिरा खेत गंगा योजना। इसका प्राचीन नाम था इंदिरा खेत गंगा योजना। अब यहाँ पे देखिए, जो किसान समृद्धि योजना है इसके अंतर्गत इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये बताती हूँ मैं। इसका मुख्य उद्देश्य है जो अकाल क्षेत्र, मीन्स छत्तीसगढ़ में अकाल मुख्यतः जो भोरमदेव कवर्धा वाले जिले हैं, ये जो जिले हैं यहाँ पे अधिकतर अकाल की घटना होती है, तो उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में अकाल पड़ता है, उस क्षेत्र में यहाँ पे सिंचाई के लिए क्या दिया जाता है, यहाँ पे पानी दिया जाता है। मतलब इस योजना का निर्माण सिंचाई के लिए बनाया गया है, मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ पे अकाल पड़ता है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ किसान समृद्धि योजना। फिर सातवां आता है आपका है बीज बैंक। बीज बैंक योजना इसकी शुरुआत की गई 2007 और 2008 में। बीज बैंक योजना इसकी शुरुआत की गई 2007 और 2008 में। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि किसानों को बीज प्रदान करके उनकी जो उपजाऊ फसल है और जो फसल वो उपजाते हैं उनकी मात्रा को बढ़ाना, उनका सहयोग करना। एक बार और रिपीट करूँगी, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है किसानों को बीज प्रदान कर उनके फसलों की वृद्धि करना, फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना। और इस योजना के अंतर्गत किसानों को बीज, सामान्य बीज होता है, उनके बदले एक प्रमाणित बीज दिया जाता है जिससे अधिक से अधिक मात्रा में फसल उपजे। इसमें बीजों को क्या किया जाता है, सामान्य बीज है उनके बदले प्रमाणित बीज दिया जाता है कि जो बीज अधिक उपजाऊ होता है वो बीज दिया जाता है बीज बैंक योजना के अंतर्गत। अब इसके बाद आता है आपका आठवां आपका आता है किसान मितान योजना। अब देखिए आठवां आपका आता है किसान मितान योजना। अब यहाँ पे जो योजना है उससे ही आपको पता चल जाएगा किसान मितान। मितान अगर हम छत्तीसगढ़ी भाषा में देखें तो मितान का अर्थ होता है दोस्त। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसानों से हम एक मित्रतापूर्वक व्यवहार करना और उनकी समस्याओं का निराकरण करना कि उनको क्या क्या समस्याएं हैं उनका समाधान करना। जो किसान अपनी अच्छी फसल ना मिलने के कारण आत्महत्या करते हैं उनको रोकना, आत्महत्या को रोकना और उनके जो समस्याएं हैं उनको समाधान करना, सुनना, ये सारी
इस योजना के अंतर्गत हैंडल मतलब इस योजना के अंतर्गत उसको किया जाता है कि किसान आत्महत्या ना करें, उनकी समस्याओं को सुने, उनकी समस्याओं का समाधान करें। ये सारी जो काम है वो आता है किसान मितान योजना के अंतर्गत। फिर आपका आता है नौवां आता है निरांचल योजना। निरांचल योजना में आपका आता है, इसमें जसपुर जिला को चुना गया है निरांचल योजना में। नौवां है निरांचल योजना, मुख्य रूप से जसपुर क्षेत्र के किसानों के लिए ये योजना है निरांचल योजना। इसके बाद आता है आपका दसवां है फिर आपका आता है मुख्यमंत्री अन्य सहायता योजना। ये आपका स्टार्ट किया गया 2017 में। मुख्यमंत्री अन्य सहायता योजना, देखिए मुख्यमंत्री अन्य सहायता योजना ये स्टार्ट किया गया आपका 2017 में। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है जो किसान या जो श्रमिक जो सुबह से शाम तक काम पे लगे रहते हैं, उनकी जो दोपहर की भोजन है या दोपहर की नाश्ता है वो सरकारी दफ्तर से फ्री में मिलता है। इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों को मुफ्त दोपहर की भोजन उपलब्ध कराना है। मीन्स इस योजना के अंतर्गत जो श्रमिक किसान हैं श्रमिक उनको क्या किया जाता है, मुफ्त में फ्री में दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जाता है। ये स्टार्ट कब किया गया 2017 में। इसके बाद आता है 11वां आपका है 11वां आता है आपका सुराजी ग्राम योजना। सुराजी ग्राम योजना सुराजी ग्राम योजना, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो किसानों को, ग्रामीण किसानों को स्वावलंबी बनाना है। मीन्स अपने चीज़ों का उपयोग करके कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ इसमें बताया जाता है। तो इस योजना का जो स्लोगन है, जो नारा है वो ये है, नरवा इसका जो छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी अंग, इसको स्लोगन है नरवा गरवा घुरवा। नरवा गरवा घुरवा औ बारी एला बचाना के संवारे। इस जो योजना है, योजना का नाम है ग्राम सुराजी योजना। ग्राम सुराजी योजना के अंतर्गत किसानों को मुख्य रूप से स्वावलंबी बनाने की यहाँ पे बताया जाता है कि किसान कैसे स्वावलंबी बने। इसका मुख्य उद्देश्य है किसानों को स्वावलंबी बनाना। इसमें जो इसका स्लोगन है ये है नरवा गरवा घुरवा, नरवा गरवा घुरवा औ बारी एला बचाना है संगवारी। अब मैं इसका हिंदी बताती हूँ। नरवा मीन्स होता है नहर। नरवा मीन्स होता है
नहर या फिर पानी का स्रोत, छोटा स्रोत जो नाला होता है। हिंदी में मैं बताती हूँ, ये आपका छत्तीसगढ़ी में है, नरवा, नरवा, गरवा, घुरवा और बारी एला बचाना है संगवारी। इसका मैं हिंदी बताती हूँ आपको। नरवा का अर्थ होता है नहर या फिर छोटे नाला जो पानी का स्रोत होता है। गरुआ मिस होता है जानवर। गरुआ मिस छत्तीसगढ़ी में गरुआ, गाय, बैल, जानवर को बोला जाता है गरुआ। घुरुआ इसके बाद आता है घुरुआ। घुरुआ मीन्स होता है गड्ढा। घुरुआ अब मैं समझाती हूँ घुरुआ होता क्या है। घुरुआ एक गड्ढा नुमा छोटा क्षेत्र होता है जिसमें क्या किया जाता है, जो गाय और जो गाय बैल के जो मल मूत्र होते हैं मीन्स गोबर आदि, पैरा, पैरा मीन्स जो धान के फसल के जो बस्ता है उसको पैरा कहा जाता है, तो उसको यहाँ पे डाला जाता है, वेस्ट पदार्थ को डाला जाता है गड्ढे में। वेस्ट पदार्थ मीन्स गाय को जहाँ पे रखते हैं उस एरिया की सफाई करके मीन्स चारा वगैरह और गोबर सारे को एक गड्ढे में डाला जाता है जिसे कहा जाता है घुरुआ। घुरुआ मीन्स होता है गड्ढा जिसे गांव में घुरुआ कहा जाता है। और घर से भी जो सब्जी वगैरह के फल फूल के जो छिलके निकलते हैं उसको गड्ढे में डाल दिया जाता है घुरुआ में, उसे घुरुआ कहा जाता है। ये हो गया गरवा मीन्स होता है नहर, गरवा मीन्स होता है गाय बैल, घुरुआ मीन्स होता है गाय बैल से निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, वेस्ट पदार्थ हैं, गोबर वगैरह उसको गड्ढे में डालते हैं उसको घुरुआ बोला जाता है। औ मीन्स होता है और, बारी मीन्स होता है बारी मीन्स बारी। बाड़ी मीन्स होता है घर में जो लगी हुई छोटी सी जगह होती है जिसे शहर में गार्डन कहा जाता है, वैसे ही गांव में एक घर में लगी हुई पीछे में घर के पीछे या सामने एक एरिया होता है गार्डन जैसे जिसको कहा जाता है बाड़ी। उसमें क्या किया जाता है, सब्जी वगैरह फल वहाँ पे उगाया जाता है तो उसको कहा जाता है बाड़ी। एला मीन्स होता है इसको। केला मीन्स होता है इसको। बचाना मीन्स उसको सुरक्षित रखना। और जो बोला गया है हे संगवारी उसका मतलब है इसको बचाना है दोस्त। तो यहाँ पे बोला गया है नरवा, गरवा, घुरवा और बारी एला बचाना है संगवारी। इसका मतलब होता है जो नहर है, गाय बैल है और जो घुरवा मीन्स गड्ढे हैं और जो बाड़ी होता है इन पे आप ध्यान दीजिए। ये किसानों के लिए बोला गया है, इनको आप ध्यान दीजिए, इसको आप बचाइए, इसको आप इसका आप उपयोग कीजिए जिससे आप स्वावलंबी बन सकते हैं। तो ये इसका उद्देश्य था सुराजी ग्राम योजना का, कि इस योजना का उद्देश्य मैं बता दी। देखिए नरवा का उपयोग करके आप सिंचाई के लिए उपयोग कर सकते हैं। गरवा मीन्स गाय बैल, आप इसको बचाइए, गाय बैल को आप बचा के वहाँ पे आपको गोबर मिलेगा उसको आप खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। घुरवा रखिए जहाँ पे आप खाद बनाएंगे गड्ढे में डाल के। और बारी मीन्स आपके घर में ही लगा हुआ छोटा सा गार्डन जैसा एक एरिया रहेगा जहाँ पे आप डेली प्रतिदिन के लिए या फिर कम मात्रा में सब्जी वगैरह उगा सकते हैं। तो इसका उद्देश्य यही था, चार चीज़ों को सुरक्षित रखना, चार चीज़ों को बचाना जिससे किसान क्या हो जाए, स्वावलंबी हो जाए और छोटी छोटी चीज़ों के लिए आत्मनिर्भर हो जाए। तो इस प्रकार मैंने ये टोटल आपको 11 कृषि संबंधित योजनाएं बताई जिसमें किसानों को योगदान दिया जाता, किसानों की मदद की जाती है और उसमें किसानों को छूट दिया जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।